वो एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता होने के साथ साथ एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्य निष्ठा के उच्चतम मानकों का अनुसरण किया। वो भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आज की हमारी ये खास पेशकश। पंडित जी, पंडित जी की जीवनी। 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म ब्रिज के मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान गांव में हुआ। 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई का देहांत हो गया। बाद में वो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए सीकर चले गए। सीकर के महाराजा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक स्वर्ण पदक, पुस्तकों के लिए 250 रुपए और प्रतिमाह 10 रुपए की छात्रवृत्ति दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पिलानी में डिस्टिंक्शन के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और बीए करने के लिए कानपुर चले गए। वहां पर उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया। वे सन 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। उन्होंने सन 1937 में प्रथम श्रेणी में बीए परीक्षा पास की। इसके बाद पंडित जी एमए करने के लिए आगरा चले गए। श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगाड़े के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। सन 1955 में वो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन संस्थान की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म शुरू की। बाद में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका पांच जन्य और एक दैनिक पत्रिका स्वदेश की शुरुआत की। 21 सितंबर 1951 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। पंडित दीनदयाल जी इसके पीछे की सक्रिय शक्ति थे और उनके करीबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। फरवरी 1968 की काली रात को उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज हमारे साथ नहीं है, मगर उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।